Hey, hello everyone, and welcome back to my channel, Being Learning to Learn. तो अभी तक हमने काफी कुछ कंटेंट कंप्लीट कर लिया है. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, आप इसको फॉलो कर सकते हैं एंड कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ वेरियस टॉपिक्स, राइट. तो लास्ट में हम लोग कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आज हम वही चीज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. सो यस, प्लीज वेलकम बैक. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने अभी तक क्या किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने अभी तक काफी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं. एंड अगर आपको पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एफएम का देखना है तो आप एक काम कीजिए, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए. एंड अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपको लाइट वीडियोज, नेट पेपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पर 45 वीडियोज है. अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको टोटल 45 वीडियोज मिलेंगे, जिसमें नेट के बहुत अलग अलग बातें बताई है मैंने, कैपिटल बजटिंग और ये सब. बट ये जो प्लेलिस्ट है इसमें थ्योरी जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो आप ये पढ़ सकते हैं. ये जो नई सीरीज है मैंने स्टार्ट की है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए. यहाँ पर मैं सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्वेश्चंस. फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. मैं इसको जस्ट एक बार इरेज कर दूं आप लोगों के लिए. ओके, सो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, बट यस नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ओके, तो यस लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं एंड सेम मैंने अपडेट कर दिया टेलीग्राम के दोनों चैनल्स पे, तो आप वहाँ पर उसका नोट्स भी देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो गेट द वर्किंग की एग्जैक्टली मैंने किया क्या थ्रू द वीडियो. तो आपको एवरीथिंग अवेलेबल है, किसी चीज में कुछ डरने की आपको जरूरत नहीं है. So let's start with that. Cost of debt capital हमें basic किया था, अब हम इसी के आगे कर रहे हैं. मैं यहाँ पर questions आपके लिए note down करवा देती हूँ, ठीक है, आप questions को note कर सकते हैं और फिर हम answers से start कर सकते हैं. मैं paper के corner से start कर रही हूँ और make sure exam में presentation भी important है तो आप उसका भी ध्यान रखें. So XYZ Limited issued 10,000 10% debentures. XYZ ने 10% debentures issue किए, ये रहा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. ओके, ऑफ रुपीज 100 इच एट द रेट 100 इच फेस वैल्यू आ गया ये हमारा, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% 5% डिस्काउंट पे इश्यू किया. फाइन, द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का कॉस्ट है 2%. ओके, द टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%, टैक्स रेट दे रखा है 50%. और आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स. बिफोर टैक्स पूछा है एंड आफ्टर टैक्स पूछा है. आई होप हैंडराइटिंग आपके समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. लेट अस स्टार्ट. ओके, सो सॉरी मैंने इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया आप लोगों के लिए. सबसे पहले हम वर्किंग नोट करते हैं, ठीक है. वर्किंग नोट आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि वर्किंग नोट जब तक आप नहीं करेंगे आपको काफी चीजों का पता नहीं चलेगा. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं. फॉर्मूला हमेशा मैं रेड पेन से लिखती हूँ, तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा. के डी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं, आई अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100. सो ये आ गया मेरा बिफोर टैक्स, बी टी ईयर इज बिफोर टैक्स, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा उसको. ओके, वर्किंग नोट में आई का मतलब है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना लगेगा, 100 रुपीज पे 10%, क्योंकि फेस वैल्यू पे ही लगता है. सो इंटरेस्ट 10% दे रखा है. सो 10% क्या, 100 इंटू 10%, सो दिस इज ऑफकोर्स 10%, ये आ गया मेरा इंटरेस्ट, ठीक है. नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स की कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल पड़ेगी, क्यों, क्योंकि नेट प्रोसीड्स यूजुअली तो 100 रुपीज है, ठीक है, मगर इसमें से हमको लेस करना है डिस्काउंट पहले, ठीक है, और लेस करना है फ्लोटेशन कॉस्ट. तो डिस्काउंट अगर मैं 5% लेस कर रही हूँ तो 100 का 5% कितना हो गया, 5 रुपया. और फ्लोटेशन 2% लेस कर रही हूँ तो 100 का 2% कितना हो गया, 2 रुपया. तो 7 रुपये में लेस करना है, तो कितना हो गया, 93. ओके, सो 100 माइनस
5 माइनस 2 इज 93, ओके सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कर रही थी मैं, फाइन। अब आ चुके हैं सारे वैल्यूज हमारे पास, इंटरेस्ट है हमारे पास, नेट प्रोसीड्स है और टैक्स रेट। टैक्स रेट हमेशा हम पॉइंट में लेते हैं तो 0.5, ओके। इस क्वेश्चन में मुझे टैक्स रेट की भी जरूरत नहीं है, तो इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ वैल्यूज पुट अप कर दूंगी। कैसे? दिस इज 10 अपॉन 93 इनटू 100। सो ऑफ कोर्स केडी बिफोर टैक्स आ जाएगा यहां पर, टोटल 10 अपॉन 93 इनटू 100, सो 10.7526% ये रहा हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। सीधा सिंपल इजी क्वेश्चन था जो इजीली हमें पता चल गया, राइट। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स। अब लेट अस गो फॉर आफ्टर टैक्स, के कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स क्या होता है। सो उसका केडी इज इक्वल्स टू आई अपॉन नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। ये हम ऑलरेडी ऊपर ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अगर मैं उसकी भी वैल्यूज उठा लूं, सो इट इज 10.75 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.5 तो 0.5 ही हो जाता है। तो सीधा आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो, 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.75, तो ये आ गया 5.375। सो अल्टीमेटली के डी आफ्टर टैक्स इज 5.375। तो ये आपका कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल में। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है जो आपको दूसरे शेयर्स या डिबेंचर्स में नहीं मिल पाता, ओके। सो दिस वॉज यू कैन से द आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। ये आज अपन ने सेकेंड क्वेश्चन किया, फाइन। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी कैन ऑल्सो डू वन मोर क्वेश्चन इन दिस बिकॉज वी हैव टाइम, ओके। तो मैं इसी के बाजू में एक और नया क्वेश्चन ले लेती हूँ और ये क्वेश्चन भी मैं अपडेट कर दूंगी ऑन टेलीग्राम, डोंट वरी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन है बट टोटल क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। सो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिंपल, ओके। एक्स वाई जेड, ओके, ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी इश्यूड 1000 डिबेंचर्स ऑफ 10%, 1000 डिबेंचर्स इन्होंने इश्यू किए एट द रेट 10%, ठीक है, ऑफ 100 ईच। अभी तक तो कैलकुलेशन सिंपल है। फॉर विच द कंपनी विल हैव टू रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस का हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है। सबसे पहले कमीशन जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन हमें देना पड़ेगा 2%, ओके। ब्रोकरेज है सेल को, सॉरी शेयर्स को सेल करने के लिए हमें ब्रोकरेज कुछ पे करना पड़ेगा, दैट इज 0.5%, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ थर्ड वन इज प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, कुछ प्रिंटिंग एक्सपेंसेस भी किए थे, जैसे हमें एक्सपेंसेस पे करने पड़े हों रिलेटेड टू शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं या कुछ और, मतलब वी कैन से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस इशू किया है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस उन्होंने क्लियरली बोले हैं कि वो 15,000 के हुए हैं। अब नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन यहाँ हम लोग 100 से नहीं कर सकते थे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना यहाँ पर 100 से किया था, हम यहाँ पर अभी 100 नहीं ले सकते। उसका एक रीजन बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें एक टोटल अमाउंट आ गया तो मुझे मल्टीप्लाई करके यूज करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअल फिगर्स लेने पड़ेंगे। अब वो कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, ये भी पूछा है कैलकुलेट करके बताओ कि अगर मैंने यही पार पे इशू किया हो, 10% डिस्काउंट पे इशू किया हो और 10% प्रीमियम पे इशू किया हो, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है बेसिकली। बट यस वी कैन स्टार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और टैक्स रेट दे रखा है 50%, टैक्स रेट दे रखा है 50%। तो ये आपका एंटायर क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो या मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट, आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए सॉल्व करने का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, चलो। सो सबसे पहले 1000
इक्विटी शेयर्स सॉरी 1000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो इंटरेस्ट हमें लेना है, सिंपल है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, वर्किंग नोट्स। ठीक है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 10% ऑफ 1000 इंटू 100, क्योंकि 1000 क्या है, 1000 शेयर सॉरी डिबेंचर्स है और 100 उनकी फेस वैल्यू है। तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज कर पाऊँ, सो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये हो गया 1 लाख। सो 10% ऑफ 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख का 10% कितना हो गया, सिंपल कैलकुलेशन है 10,000। सॉरी मैंने 1 लाख ले लिया यहाँ पर, ये 10,000। तो ये आ गया मेरा फाइनल आई। ओके, टैक्स रेट बहुत ही इजी है, 0.5 दे ही रखा है तो 0.5 ले सकते हैं अपन, परसेंट नहीं लेंगे, 0.5 यहाँ पर दिया हुआ है, सीधा ले रहे हैं। अब सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नेट प्रोसीड्स की कैलकुलेशन। नेट प्रोसीड्स में वो क्या बोल रहा है, हमें ये तो मिलना ही चाहिए क्योंकि मार्केट प्राइस कुछ दे नहीं रखा, तो सीधा मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकती हूँ बाई मल्टीप्लाइंग 10,000 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1 लाख। ये 1 लाख कहाँ से आया, मैंने 10,000 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1,000 को मल्टीप्लाई किया इंटू 100 से, तो मुझे ये 1 लाख आ गया जो मुझे मिलना चाहिए था। इसमें से मुझे कमीशन लेस करना है, इसमें से मुझे ब्रोकरेज लेस करना है, और इसी में से मुझे लेस करना है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। तो यू कैन से कमीशन है 2%, ठीक है। तो 2% ऑफ 1 लाख, दैट इज 2,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2/100, 2%, 2,000, यस, और 0.5%, सो 1 लाख। काफी सारी यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउड है तो डरिएगा मत, 0.5 × 100, तो सॉरी डिवाइड करना था, आई एम रियली सॉरी, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.5/100, 500, सिंपल। ओके, और ये तो डायरेक्टली दे रखा है 15,000, तो मैं 15,000 वहां से सीधा कॉपी कर रही हूँ। तो ये जो फाइनल अमाउंट आएगी ये 0.5% है, प्लीज याद रखना, और ये फिक्स्ड है। सो एग्जाम में अगर आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो जो भी आपका टीचर है उसको पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने कोई कॉपी नहीं की है, उसने खुद मेहनत की है, पूरे वर्किंग प्रॉपरली दिखाई है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में अच्छे से आप दिखाना। तो 1 लाख माइनस 2,000 कर देती हूँ, माइनस 500 कर लेती हूँ, माइनस 15,000 कर लेती हूँ, तो कितना बचा, 82,500, 82,500, ये आ गया मेरा नेट प्रोसीड्स। अब मैं इसी की हेल्प से क्या स्टार्ट कर सकती हूँ, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो रेड पेन से मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, के डी बिफोर टैक्स, पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, आई अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो आई हमें पता है क्या है, आई है यहाँ पर 10,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। सो ये आ गया अपना 10,000 अपॉन 82,500, 82,500 इंटू 100। ओके, सो फाइनली के डी बिफोर टैक्स आएगा 10,000 अपॉन 82,500 इंटू 100। सो द कॉस्ट इज 12.12%, कितना कॉस्ट हो गया, 12.12%। बट याद रखना दिस इज बिफोर टैक्स, हमें आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना बाकी है, ठीक है। तो हम आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन लेकर आते हैं यहाँ पर, द रेड वन। ओके, के डी आफ्टर टैक्स आई अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100 इनटू 1 - t, ये रहा फॉर्मूला। हमें सिर्फ और सिर्फ सेम यही अप्लाई करना है इस पे, तो 12.12 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.5, तो केडी फाइनली आफ्टर टैक्स आ जाएगा 12.12 इनटू 0.5, सो दिस इज 6.06। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 6.06। सो ये है हमारा एट पार, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया सिर्फ और सिर्फ एट पार।
तो मैं यहाँ पर एक ब्लैक से मार्क कर सकती हूँ कि ये मैंने एट पार कैलकुलेट किया है, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट बाकी है। तो अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एट डिस्काउंट, वो ट्राई करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, उसके लिए सबसे पहले केडी बिफोर टैक्स लेना पड़ेगा मुझे। बिफोर टैक्स जब मैं ले रही हूँ इट इज इक्वल्स टू आई अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अब क्योंकि ये 10% डिस्काउंट पे है तो 10% फेस वैल्यू का डिस्काउंट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा जैसा ऊपर है, दैट इज 10,000 अपॉन 82,500 की जगह हम 10% और लेस कर देंगे। तो यहाँ के लिए अगर मैं नेट प्रोसीड्स अलग से कैलकुलेट कर पाऊँ आपके लिए इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, ठीक है, तो 82,500 तो था ही, -10% जब मैं करूंगी क्योंकि डिस्काउंट है तो 10,000 और लेस हो जाएंगे, तो 72,500 आएगा इसके लिए नेट प्रोसीड्स। तो 10,000 अपॉन 72,500 मल्टीप्लाइड बाय 100, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 10,000 अपॉन 72,500 इंटू 100, सो बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन आ चुका है हमारे पास। कितना है बिफोर टैक्स, दिस इज वेरी सिंपल, 13.79। सो केडी बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू 13.79%। ओके, तो ये आ गया बिफोर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स ले लेते हैं, आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन तो और भी इजी है। केडी इज इक्वल्स टू आई अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100 इनटू 1 माइनस टी। ओके, तो ये क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, एग्जैक्टली 13.79% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.5। कैलकुलेट करके देखते हैं, इनटू 0.5 6.89। सो केडी आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू 6.89%। सॉरी अबाउट द बैड हैंड राइटिंग हियर, 89%। ओके, सो ये हो गया हमारा, यू कैन से एट पार एंड एट डिस्काउंट, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमने एट पार किया, ये डिस्काउंट किया है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एट 10% प्रीमियम, शैल वी। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर ले जाती हूँ और यहाँ कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ, ये नीचे कर दूँ, नीचे कर लेती हूँ, एक फ्लो बना रहेगा। सो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल एट 10% प्रीमियम, सो बिफोर टैक्स केडी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज इक्वल्स टू आई अपॉन नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके लिए फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है, बट यहाँ पर 10% प्रीमियम है। अब इसके लिए अगर हम नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करें तो नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो पहले था वो तो होगा ही। सबसे पहले हमने कितना नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट किया था, 82,500। तो सबसे पहले नेट प्रोसीड्स कितना था, 82,500 था। अब हमें इसमें ऐड करना है 10% प्रीमियम का, तो 10,000 और ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 92,500। तो ये आ गया हमारा न्यू एनपी, तो इंटरेस्ट तो वही रहेगा, थोड़ा सा जूम कर रहे इसको, सो इंटरेस्ट तो वही है 10,000 अपॉन 92,500, ये लेना है अपने को 92,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना हो गया है, एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, 10,000 अपॉन 92,500 इंटू 100, 10.81, 92,500, 10.81। सो केडी बिफोर टैक्स एट प्रीमियम इज 10.81%।
अब केडी आफ्टर टैक्स देख लेते हम लोग। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आई अपॉन नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इनटू 1 माइनस टी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेम 10.81 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.5। तो 10.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज 5.405। सो KD इज इक्वल्स टू 5.405%। सो दिस इज द फाइनल आंसर्स ऑफ ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, तो पहले हमने एट पार कैलकुलेट किया था, एट डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, एट कैपिटल कैलकुलेट किया, सॉरी एट 10% प्रीमियम कैलकुलेट किया। ये रहे उसके आंसर्स जो आप इजीली अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे हैं। तो आज हमने दो क्वेश्चंस किए, एक सिंपल क्वेश्चन था और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट सबके आंसर सही आए हैं एंड एवरीथिंग सो फार इज गुड। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको ये नोट्स की इमेज चाहिए तो आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दे रही हूँ। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, पढ़ाई करें, एंड यू कैन फॉलो माई चैनल ऑन यूट्यूब। एंड इफ देर इज एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। एज वेल एज अगर कोई भी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है और मॉक टेस्ट देना चाहता है, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारा 25, सॉरी अभी एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो चुकी है 24 से, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो globalonlineuniversity.in, एंड वहां पर आप सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट उठा सकते हो। एंड आपको ये सारे डेट्स पे लाइव मॉक टेस्ट देने को मिलेगा, ये ऑलरेडी डेट जा चुकी है, बट आप अभी भी ऑफलाइन सॉरी लाइव मॉक टेस्ट ना देकर भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 40 मॉक टेस्ट तो ले ही सकते हैं बिफोर एग्जामिनेशन। आप सिर्फ 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के भी सॉरी सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे भी आपको बेनिफिट अभी भी मिल सकता है, बट आप 6 महीने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 60 मॉक टेस्ट ले सकते हो। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है प्लीज ज्वाइन कर सकता है, एंड दिस इज यू कैन से द वेबसाइट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। इफ देयर इज एनी डाउट्स एनी प्रॉब्लम्स प्लीज डू लेट मी नो, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। बाय बाय।